हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट डेवलपर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रिएक्ट आउटर डॉम जो कि लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 6 को यूज़ करके हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे और दूसरे दूसरे पेजेस में नेविगेट भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा कि रिएक्ट आउटर डॉम वर्जन 6 को कैसे यूज़ करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे ग्रो करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो रिएक्ट आउटर डॉम वर्ज़न 6 में काफ़ी चेंजेस हुई है, तो उसके लिए पहले npm.js के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम npm रिएक्ट आउटर डॉम को। और इधर क्या करते हैं, बेसिकली जस्ट अपने रूट फोल्डर में कमांड लाइन से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए जस्ट मैं उसे जिसे कॉपी किया हूँ उसे पेस्ट करके बस एंटर करूँगा, ये इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सारा क्लीन अप ऐप रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड के साथ। तो अभी चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स, उफ माई बैड, अभी मैं उसको सही करता हूँ। और कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, दो तीन पेजेस ले आते हैं, जो कि एक होम पेज ले लेता हूँ मैं, दूसरी मैं एक अबाउट पेज ले लेता हूँ और एक मैं कॉन्टैक्ट जेएस का पेज ले लेता हूँ। बस ये कुछ नहीं करना है, सिंपल पेज रखूँगा मैं, एक आइटम डालूँगा और कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। अभी क्या करेंगे कि RFC करेंगे, इसमें से सब में एक H1 टैग डालेंगे सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे ताकि पता चले कि हम किस पेज पे हैं। RFCE React Functional Component Export, ये बेसिकली मैं स्निपेट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक्सटेंशन React 7 करके स्निपेट आता है, एक्सटेंशन में डाउनलोड कर सकते हैं इसे। मैं बस एक H1 टैग डाल के होम पेज लिख देता हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा। कॉन्टैक्ट जेस में भी सेम ऐसे ही RFC करेंगे और एक H1 टैग में कॉन्टैक्ट जेस का पेज लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट पेज लिख देते हैं बस, माय बैड। हो गया, कॉन्टैक्ट नहीं लिखा रहा मेरे से। अभी अबाउट अस में भी सेम चीज, एक H1 टैग में अबाउट अस पेज। अब ये सब हो गया है तो चेक कर लेते हैं, हाँ वो इंस्टॉल हो गया रिएक्ट ऑटो डॉम। तो अभी क्या कर सकते हैं कि अपन यहाँ से, एक सेकेंड, मुझे मैं रिएक्ट ऑटो डॉम देख लूँ कुछ है क्या। अच्छा नहीं है, जो भी है। तो बेसिकली मैं रिएक्ट ऑटो वर्जन 6 में आपको बता दूं कि अब स्विच नहीं है हमारे पास, जो पहले हम स्विच यूज़ करते थे उसके जगह पर राउट्स यूज़ करना है हमें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले index.js फाइल में चलते हैं और इसे क्या करेंगे, अपने ऐप को सराउंड कर देंगे ब्राउज़र राउटर से। इससे क्या होगा कि पूरा ऐप में हमारा ब्राउज़र राउटर चल रहा होगा, हम कहीं से कहीं नेविगेट कर सकते हैं। बेसिकली ब्राउज़र राउटर ये कहना चाहता है, index.js फाइल में हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे। उसके बाद चलते हैं app.js फाइल में अपने, और app.js में क्या होगा कि यहाँ पे हमें राउट्स डिफाइन करने होंगे। तो राउट्स के लिए क्या है कि सबसे पहले राउट्स लिखेंगे, TES पूरा लिखेंगे। ये क्या है, स्विच के जैसा ही है, बिल्कुल स्विच ही है, बस स्विच नहीं है ये। इसमें भी क्या है कि अंदर जो राउट्स है सिर्फ उसी पे जाएगा, जो भी ऊपर राउट्स डालेंगे बाकी और कुछ नहीं होगा। तो अंदर राउट में भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। राउट में क्या चेंजेस हुआ है, तो जैसे कि राउट में पहले पाथ डालते थे, पाथ तो डालेंगे ही, उसके बाद क्या था कि कंपोनेंट लिखते थे हम। कंपोनेंट के जगह पे अब क्या लिखना है ना कि एलिमेंट लिखना होता है हमें। तो बेसिकली मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक पाथ डाल देता हूँ टू, और टू में पाथ में मतलब कि लिख देता हूँ स्लैश, ये मेरा होम पेज रहेगा। तो और एलिमेंट में सेम कंपोनेंट के जैसा ही डिफाइन करना होगा, बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें वो कंपोनेंट के नाम लिख देने होंगे एज अ इम्पोर्ट करके। इम्पोर्ट भी करना होगा साथ में, ये मेरा साथ साथ इम्पोर्ट हो जाता है, ऑटो इम्पोर्ट मेरा ऑन है।
ये भी स्निपेट्स मैंने डाउनलोड करके रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर इम्पोर्ट नहीं हो कभी तो आप होम के लास्ट पे रख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइएगा तो वो आपको ऑप्शंस दे देगी कि क्या क्या आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं या मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन टाइम बचाना है तो स्निपेट्स यूज़ कीजिए, फ्री होती है, कोई पैसे तो लगते नहीं है। आज कॉन्टैक्ट मेरे से नहीं लिखाएगा, कसम खा लिया है। सेम चीज़ कॉन्टैक्ट के साथ जाएगा, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट को लेके आएंगे। ये हो गया, ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा, और यहाँ पे अबाउट के साथ भी सेम चीज़ होगा। वो थर्ड नंबर पे अबाउट आ गया, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका अबाउट का अबाउट डाल देता हूँ मैं। पाथ पाथ बेसिकली ये होता है जो हमारे ऊपर ब्राउज़र में दिखता है उसे हम पाथ कहते हैं, कि किस पाथ पे हैं, या आप जो डिफाइन कीजिएगा वहाँ वो रहेगा नाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं, अभी होम भी लिख देते हैं तो या कॉन्टैक्ट पे ही चलते हैं। कॉन्टैक्ट का तो आज मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा, मजाक ही हो गया। ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, पर हम लोग बार बार वैसे तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ एक नेवबार भी मैं बना देता हूँ। तो नेवबार रहेगा तो उससे मैं आपको नेविगेट करके दिखा दूंगा। सिंपल नेवबार बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा उसमें स्टाइलिंग स्टाइलिंग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल नेवबार और तुरंत मैं बनाऊंगा। तो कंपोनेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले एक नेवबार नेवबार डॉट जे एस में बना देता हूँ। ये नेवबार डॉट जे एस जाते ही अभी क्या होगा कि इसमें भी आर एफ सी करते हैं, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन, मतलब अब इसमें क्या है कि दो तीन चीज़ हमें डालनी होगी। ठीक है, सबसे पहले एच वन टैग में मैं इसे रिएक्ट आउटर डाउन, इसका ये हमारा बेसिकली रहेगा वो क्या बोलते हैं हेडिंग, इन द सेंस आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ, आपका जो भी हेडिंग हो इमेज भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं तो एक सिंपल बना के बस शो कर दे रहा हूँ, नेविगेट करने में दिखाता हूँ। ये सेकंड में एच थ्री में हो, नहीं नहीं एच थ्री हम नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसे नेवलिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, नेवलिंक हमें बेसिकली हेल्प क्या कैसे करता है ना कि जो एक्टिव होता है ना उससे हमें डिफाइन करना बहुत आसान होता है नेवलिंक की, नेवलिंक अगर यूज़ करेंगे तो। अगर लिंक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिंक में एक्टिव क्लास नेम को शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए नेवलिंक ही यूज़ करने में ज़्यादा फ़ायदा है। और इसे टू स्लैश दे देते हैं, इसका पाथ डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि अगर पाथ नहीं दीजिएगा तो तुरंत आपको रिएक्ट एक एरर देगा कि आपने पाथ डिफाइन नहीं किया है, और बिना पाथ के लिंक्स नहीं होते हैं। कॉन्टैक्ट का तो आज मेरा दिन ही ठीक नहीं चल रहा है लगता है। बेसिकली मैं सारे नेवलिंक्स को डिफाइन कर देता हूँ, तुरंत हो जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन कॉन्टैक्ट तो आज नहीं लिखाएगा, मेरे हाथ से कसम खा के रखा है। अभी क्या है, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी दे देता हूँ, नहीं तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। क्लास नेम में पहले क्लास नेम दे देता हूँ पूरे डिव में नेव का, और बेसिकली हमेशा स्मॉल लेटर्स में क्लास नेम्स को लिखा कीजिए, ये बैम कन्वेंशन होता है और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। बैम कन्वेंशन जैसे बेसिकली ऐसा सिक्योरिटी पर्पज़ यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एफ डॉट सीएसएस फाइल में चलते हैं और नेवर में फ्लैक्स, सबसे पहले हमें रो चाहिए इसलिए डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब होता है कि सारी चीज़ रो में आएंगी। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट मुझे अलग अलग चाहिए तो स्पेस बिटवीन करेंगे। स्पेस बिटवीन क्या करता है, बेसिकली अगर दो डिव है तो दोनों को दो तरफ एकदम अपोजिट में भेज देगा, समझ गए, काफ़ी आसान है, आप समझ ही रहे होंगे। मैं देख लूँ एक बार क्या हो रहा है, तो नेवर तो इम्पोर्ट ही नहीं किया था, एक बार नेवर इम्पोर्ट कर लेते हैं इसे। ये रहा नेवर आ गया, अब राउट्स के ऊपर है तो नेवर हमेशा रहेगा, ये समझने वाली बात है, नेवर हमेशा रहेगा, बाकी सब जिस राउट पे रहेगा वही जाएगा। ठीक है, राउट्स के बाहर जो भी रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, और राउट्स के अंदर जो है वो जब उस राउट पे आदमी जाएगा तभी वो चीज़ शो होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। मैं क्या करता हूँ इसे भी एक डिब में डालता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों दो अपोजिट में चाहिए। ये देखिए ये अपोजिट में आ गया,
अब क्या करते हैं, थोड़ा सा भी स्टाइल कर दे क्या। ओह माय गॉड, ये होम पेज आ गया। एक बार नेविगेट करके देख लेते हैं, कांटेक्ट काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, कांटेक्ट का यहाँ पे मेरा आज कांटेक्ट पूरा ही गलत चल रहा है ज़िंदगी में, तो ये चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान से मैंने बनाया है, थोड़ा तो सा स्टाइलिंग कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। क्लास नेम बड़ा नहीं लिखने का है, हमेशा छोटा लिखने का है। बीच में आप वो कैमल क्लासेस क्लास कैमल क्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल से ही कीजिए। तो नेवलिंग में दो तीन चीज़ डिफाइन करूँगा। सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर, डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले तो फ्लेक्स बॉक्स में डालना होगा, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देते हैं, सही रहेगा। कुछ हुआ नहीं, अच्छा कोई नहीं। वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल, ये भी नहीं काम कर रहा। अच्छा, मैं उसे देख लूँगा क्यों काम नहीं कर रहा। पहले लिंक भी डिफाइन कर देते हैं। लिंक में भी टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले नन कर देते हैं, जो अंडरलाइन है वो खुद ब खुद चला जाएगा उससे। और दूसरा, मैं इसे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 400 500 जो भी है, फॉन्ट साइज जैसे लार्ज ही रखते हैं। अच्छा, लिंक तो अभी काम ही नहीं करेगा ना, लिंक तो उसमें डाला ही नहीं है नेवबार में, उसको डाल देते हैं, काम करेगा फिर। ये लिंक गया, सब में डाल देते हैं कॉपी पेस्ट करके, तो सब में काम करेगा। काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, अंडरलाइन भी चला गया है। अब थोड़े से कलर चेंजेस भी कर देंगे तो सही हो जाएगा। मेरा ऐप डॉट सी एस एस फाइल कहाँ चला गया, ये रहा। ये स्टाइलिंग आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं स्टाइलिंग। तो मैं ऐसे ही, मेरी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, कुछ खास है नहीं, बस मैं कुछ कुछ कर देता हूँ। बट हमेशा एक चीज़ होती है कि बेसिक्स रखने का रहता है, जितना बेसिक रहेगा उतना अच्छा दिखेगा, जितना उसमें ऊपर नीचे करेंगे उतना कुछ अलग लगेगा। मैं पूरे को एक नेबर का कलर एक्वा और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं, सिंपल में रहेगा, आसान भी रहेगा देखने को। ये आ गया, थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। और पहले हाइट दे देते हैं, हाइट 30 पिक्सल, इससे क्या ना थोड़ा चौड़ा दिखने लगेगा, इन द सेंस मोटा थिक। प्लेस आइटम सेंटर, और एक पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, तो मेरा नेटवर्क का काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये नेवबार हो गया तैयार, और क्या चाहिए सिंपल नेवबार में। अब क्या है कि होम पे क्लिक कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्लिक है, वो कैसे पता करना है। तो हमें नेवलिंग किसी लिए यूज़ ही किया था मैंने, अभी उससे क्या है ना कि उसे एक्टिव क्लास नेम डिफाइन करना होगा। सबसे पहले मैं एक्टिव को एप डॉट सी एस एस में ही डिफाइन कर लेता हूँ कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली क्या होगा, सिर्फ कलर में बदल दूंगा तो पता चल जाएगा। तो कलर में एक कलर डाल देता हूँ, उसका टेक्स्ट कलर वाइट डाल देता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है मेरे साथ कि मुझे
टेलविंड यूज़ कर रहा था मैं अभी काफ़ी दिन से, तो वो टेलविंड में टेक्स्ट कलर लिखने का आदत हो गया, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है बार बार। और क्या है कि कलर वाइट डाल के अंडरलाइन लाइन भी दे दूँ क्या कुछ? CSS में अंडरलाइन देते कैसे थे, याद ही नहीं आता। अच्छा उसे छोड़ देते हैं, अपनी याद आ रहा है तो क्या करूँ, पर एक अंडरलाइन दे सकते तो अच्छा लगता। चलते हैं नेवबार पे और इसे डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए सिंपल है, नेवलिंग में एक एक्टिव क्लास नेम को डालना होगा और वो जो एक्टिव डिफाइन किया है वो हमें लिख देना है सिर्फ। ठीक है, मतलब एक्टिव जब होगा तो ये एक्टिव भी रहेगा इसमें, और वो जो क्लास नेम है लिंक का वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ये देखिए होम वाइट दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कम से कम कि होम पे अभी हम लोग। सेम चीज़ सब में कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। और ये यहाँ पर रिएक्ट राउटर डाउन वर्जन 6 का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया और करके भी दिखा दिया कि कैसे यूज़ करना है। बाकी तो बाकी सब चीज़ सेम ही है, लिंक विंक आप वैसे ही पहले जैसा लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बेसिकली ज़्यादा तो है ही नहीं पर मैं फिर भी सब पढ़ता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि क्या गलती है नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।